हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजियोगेस 5-in-1 मशीन का डेमो देंगे कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। ये दो ऑन बटन दिए हुए राइट हैंड साइड पे, जैसे आप फर्स्ट क्लिक करते हैं तो आपका अल्ट्रासोनिक स्टार्ट होगा, सेकंड क्लिक करते हैं तो आपका IFT टेंस MS स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ पहले हम डिजिटल अल्ट्रासोनिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट हुआ हुआ है पहले से ही। इसके अंदर में एक टाइमर दिया हुआ है जिसके अंदर में आप टाइम सेट कर सकते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स का, जितना भी आपने थेरेपी लेना है इसका। ठीक है, टाइमर स्टार्ट करते हैं, सेट करेंगे 5 to 10 मिनट्स। हमने जैसे 10 मिनट्स इसको रखा हुआ है, अगर आप 10 मिनट्स रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें एक एम सिलेक्टेड मोड दिया हुआ है जिसमें कंटिन्यू और पल्स मोड दिया हुआ है, 1:1, 1:4, 1:7, 2.0। ठीक है, कंटिन्यू मोड में आपको कंटिन्यूसली वेव्स मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं उसमें फॉर डेमो के लिए। इसमें देखिए, आप कंटिन्यू रखा हुआ है हमने, हम इसके अंदर में थोड़ा सा सम ऑफ ड्रॉप वाटर डालेंगे इसके ऊपर तो आपको पता चलेगा कि वेव्स किस तरह से आ रही है। आपने देखा कंटिन्यू वेव्स निकल रही है। अगर हम इसको मोड को पल्स में कर देंगे 1:1, तो जो वेव्स हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी। ठीक है, तो पल्स मोड में आएंगे। डॉक्टर्स ज्यादातर कंटिन्यू मोड ही यूज करते हैं, तो आप भी कंटिन्यू मोड यूज करें। ओके, नाउ दूसरी चीज है, अच्छा थोड़ा सा ही हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने नॉर्मली जहां पे भी जो भी स्पेसिफिक एरिया आपका, जहां पे भी आपने थेरेपी लेनी है उस पर कंटिन्यूसली धीरे धीरे मसाज करें, जेल। ठीक है, जेल लगा के धीरे धीरे मसाज करें। आप वॉलिनी जेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसको क्या है कि एक जगह रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहना है। आप देखोगे कि 5 to 10 मिनट्स बाद ऑटोमेटिकली जो आपने जेल लगाया था या आपने जो जेल लगाया था या वॉलिनी जेल लगाया था वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो ड्राई हो जाए तो आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और आपने जैसे अल्ट्रासोनिक यूज नहीं करना तो आप इसको यहाँ से राइट हैंड साइड में जो बटन दिया हुआ है आप वहां से इसको क्लोज कर लोगे। ठीक है, ये आपका अल्ट्रासोनिक था, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरे हम आ जाते हैं आपका IFT MS टेंस विद रशियन करंट। ठीक है, इसके अंदर में सिलेक्टर मोड के दो बटन दिए हुए, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड साइड। दूसरा दिया हुआ प्रोग्राम माइनस, प्रोग्राम प्लस और स्टार्ट बटन। ठीक है, आप इस पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो कर्जर है अभी मैनुअल पे ब्लिंक कर रहा है। ओके, सो नाउ अभी होगा क्या कि इसमें आप प्रोग्राम प्लस वाला अगर बटन क्लिक करते हो आप, तो अच्छा पहले प्रोग्राम वाला बटन वाला क्लिक करते हो तो इसमें प्रोग्राम चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए 5-6 सारे प्रोग्राम इनबिल्ट है, कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको। इसमें एक यूजर मैनुअल मिलेगा, उसमें सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, जोन सा प्रोग्राम आपको यूज करना है वो प्रोग्राम पे गए और सीधा स्टार्ट बटन दबा दिया। स्टार्ट बटन जैसे ही दबाओगे तो आप देखोगे जो कर्जर है वो INT पे 00 पे ब्लिंक होने लगा है। ठीक है, तो जैसे ही वो ब्लिंक हो रहा है तो जो ये पैड की पोजीशन है, मान लीजिए दो रेड वाले जो ब्लैक आपने लगाए हुए इसके अंदर में, ये दोनों पैड को आप जिस पोजीशन पे लगाना है उस पे आप लगाएं, देन उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ानी है आपने। जैसे कि मैं दिखाई देता हूं, जैसे कि ये मेरा हाथ है तो एक यहां पे लगाएंगे, एक आपने यहां पे लगाना है। ठीक है, ऊपर नीचे, या अगर बैक पे लगाने हैं तो दोनों इस तरह से लगाने हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जब तक दोनों पैड बॉडी से अटैच नहीं होंगे तब तक वाइब्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं सिर्फ चेकिंग करने के लिए मैं दोनों को ऐसे हाथ में पकड़ लेता हूं, क्योंकि मेरे दोनों बॉडी से टच हो जाएंगे हाथ हथेली से। ठीक है, तो मैं दोनों को इस तरह से पकड़ लिया, ये देखिए दोनों ब्लैक साइड बाहर है सिर्फ चेकिंग पर्पज से। तो मैंने क्या किया कि ये जो इंटेंसिटी INT पे 00 पे कर्जर है
उस पर मैंने अब बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, ये जो इंटेंसिटी है वो 99 तक जाएगा। आप जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना वाइब्रेशन तेज होता चला जाएगा, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। तो जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं इसको उतना ही बढ़ाएं, या जितना आपको सजेस्ट किया गया होगा उतना ही इसको रखें, ठीक है। ये आपका कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। नाउ अगर हम मान लीजिए डायरेक्ट आपको MS यूज करना है या डायरेक्टली आपको टेंस यूज करना है, तो उस पर कैसे जाना है, तो उसको यहां से स्टॉप करेंगे, ठीक है। यहां से इसको स्टॉप किया, स्टॉप पे आप देखोगे कर्जर वापस आ गया 009 पे। तो सिलेक्टर मोड से उसको आप चेंज कर सकते हैं। आपको ये कर्जर जो है वो IFT पे लेके जाना है, तो वो सिलेक्टर मोड से होगा। देखिए कैसे ये जो है कर्जर IFT पे आ गया। IFT पे आने के बाद हमने ये प्रोग्राम प्लस वाला जो बटन है उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रोग्राम प्लस वाला मैंने बटन क्लिक करा, रशियन आ गया, टेंस आ गया, डेक 71 प्रोग्राम, MS आ गया 101 प्रोग्राम। अब जैसे कि 101 का जो प्रोग्राम है डायरेक्टली हमने MS से किया, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं सिलेक्टर मोड से, ठीक है। तो जैसे ही हमने स्टार्ट बटन दबाया तो वापस 00 पे आ गया। तो जैसे 0 पे आ गया, पैड को अपनी पोजीशन पे लगाना है, देन उसके बाद आपने दोबारा से इंटेंसिटी बढ़ाना स्टार्ट करना है। तो ये आपकी मशीन आपका मशीन रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी देखो मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है इसमें, ठीक है, जब आप लगाओगे तब आपको फील होगा, ठीक है। नाउ एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, जो डॉक्टर्स ज्यादा यूज करते हैं फॉर मैनुअल, वो मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। देखिए सारे प्रोग्राम्स हैं, अभी 125 से मैं माइनस में कर रहा हूँ। कोई भी प्रोग्राम यूज करना है उस पर रोके और स्टार्ट बटन दबाइए, एंड और INT पे जैसे कर्जर आएगा तो उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा एक मैंने चीज में आपको एक और बता देता हूँ, जो कि ये जब मशीन आप स्टार्ट करते हो, मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टार्ट करोगे तो ये एक मैनुअल प्रोग्राम आ जाता है इसमें, ठीक है। मैनुअल प्रोग्राम में आप अपने अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी, ब्रीथ फ्रीक्वेंसी, स्कैन मोड वगैरह चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली कितना रखना है। तो वो आप सिलेक्टर मोड से यूज करोगे, कर्जर लेके जाना है, ठीक है, कितना रखना है ब्रीथ फ्रीक्वेंसी या अपने स्कैन मोड कितना रखना है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहां से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मैनुअल प्रोग्राम है। बाकी अगर आपको नहीं पता है मैनुअल को कैसे चलाना है, तो आप अपने जो जो इनबिल्ट प्रोग्राम है इसके अंदर में जो मैनुअल देख के आप देखोगे, उसके अंदर सेलेक्ट करें, सीधा स्टार्ट बटन दबाएं और INT से पैड लगाने के बाद INT बटन से प्रोग्राम प्लस वाले बटन से इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाए और कुछ नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया IFT, ये हो गया डिजिटल अल्ट्रासोनिक। ऊपर दिया हुआ है आपका डीपीट थेरेपी में कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों पैड अटैच करने, ये जो पैड है, और उसके बाद यहां से इसको ऑन कर देना है, ठीक है। यहां से जैसे ऑन करेंगे तो ये पैड गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। होता क्या है, जैसे ये टेम्परेचर इसमें एक ऑटो कट लगा हुआ है, जैसे ज्यादा गर्म होगा अपने आप ही ऑटो कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें ऑटो कट करने के भी वो नहीं है कि एकदम से तेज गर्म होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये आपका हीट होना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप ही ऑटो कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये डीपीट का आप यूज कर सकते हो। ये कंप्लीट 5-in-1 फिजियोथेरेपी मशीन है, ठीक है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इफ आपको कुछ इशू आता है इसमें तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।